दोस्तों नमस्कार, मैं शौकील रजक सिप्स ऑफ इंडिया बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। बहुत सारे लोग जो है सिप्स ऑफ ज्वाइन करते हैं, सिप्स ऑफ ज्वाइन करने के बाद कुछ दिन बाद जो है लोग गायब हो जाते हैं। तो आज पांच ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं, पांच ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसको यदि वो अमल कर लिया तो कभी गायब नहीं होगा बिजनेस से, वो कभी छोड़ेगा नहीं इस इंडस्ट्री को। कई बार हम पार्टिसिपेट कराते हैं, कई लोग जो है इगोस्टिक रहते हैं, कई लोग जो है बहुत सारा पढ़ाई लिखाई किए हैं तो उसके अंदर एक ईगो आ जाता है कि मैं अपने इस सीनियर से बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, जो सबसे बड़ा कारण होता है इस बिजनेस से उसको गायब होने का। क्यों? क्योंकि वो समर्पित नहीं हो पाता अपने उस सीनियर के प्रति, जिसके कारण से उसका वो जो पढ़ा लिखा डिग्री जो है बीच में आड़े आ जाता है, जिसके कारण से उस सीनियर हो सकता है अगर कम पढ़ा लिखा है, जिसके कारण से उसकी बातें उसके ऊपर से निकल जाती, समझ नहीं पाता उस चीज़ को। ये चीज़ें मैं जानता हूँ, बट इस बिज़नेस के नॉलेज उस सीनियर को ज़्यादा है, ना को नए एसोसिएट को, जिसके कारण से वो व्यक्ति जो है इस बिज़नेस में दिल से वो जुड़ नहीं पाता, सीख नहीं पाता, जिसके कारण से वो बिज़नेस को कम समय में क्विट कर देता है। दूसरा चीज़ है कि विज़न, वो अपना एक विज़न नहीं बना पाता कि इस बिज़नेस से उसको मिलेगा क्या, वो दूरदर्शिता नहीं देख पाता, दूर का नहीं देख पाता, वो तत्काल का सोचता है। क्यों? क्योंकि एक नौकरी करने वाला व्यक्ति एक महीना काम करेगा उसको सैलरी आ जाता है, वो तुरंत का देख पाता है। ये व्यक्ति जो है इस इंडस्ट्री में आने के बाद वो दूर का नहीं सोच पाता कि 5 साल 10 साल बाद उसकी लाइफ कहाँ रहेगी, जिसके कारण से वो व्यक्ति कम समय वो क्विट कर देता है। उसको विजन नहीं मिल पाता। कुछ लोगों को जो है सही सीनियर्स नहीं मिल पाते। सही सीनियर्स मतलब होता है कि सीनियर्स तो मिलते हैं बट सही सीनियर्स को वो कॉपी नहीं कर पाते, वो जो लेकर के आया उसी को कॉपी करते रहते हैं। ये मेरे को लेकर के आया है तो ये जो बोलेगा वही चीज़ सही है, जो बाकी जो सीनियर बोल रहे हैं उनकी बात को क्यों मैं मानूं? ये चीज़ उसके अंदर रहता है जिसके कारण से वो सही सीनियर का चुनाव नहीं कर पाता, जिसके कारण से वो असफल हो जाता है या कम समय में वो बिजनेस छोड़ देता है। हो सकता है जो व्यक्ति उनको लाया वो कुछ समय बाद बिजनेस क्विट कर दिया, तो वो भी उसको देख करके वो भी क्विट कर देता है, या किसी प्रॉब्लम से वो मीटिंग्स में नहीं आ पा रहा है या प्लान्स नहीं कर पा रहा है तो वो भी नहीं करेगा। हैं तो बहुत सारे सीनियर्स ऊपर में मिल जाएंगे, उसको ढूंढने पे सही सीनियर्स मिल जाएंगे जरूर, उसको कॉपी कीजिए। कोई जरूरी नहीं है जो व्यक्ति लाया है वही आपका परफेक्ट सीनियर हो, आपको परफेक्ट सीनियर्स का चुनाव करना पड़ेगा तब जाकर के आप टिके रहेंगे इस बिजनेस में। चौथी चीज़ है लगातार काम ना करना। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। जिस गार्डन पे अगर माली ना हो ना, देख रेख करने वाला ना हो ना, तो वो बगिया बहुत जल्दी उजाड़ दिया जाता है, सही है? तो उसी प्रकार से ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको कोई प्रेशर देने वाला नहीं है। पुशअप करने वाला है तो नॉलेज देने वाले तो हैं, बट जब तक उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, कोई प्रेशर नहीं देगा नौकरी की तरह कि आपको इतने घंटे करना है, मतलब करना है। नौकरी में एक होता है ना डर होता है, डर उसको नौकरी में टिकाए रखता है, बट यहाँ पे डर नाम का कोई चीज़ नहीं है। इसीलिए व्यक्ति जो है समझ नहीं पाता इस बिज़नेस की कीमत, इस बिज़नेस की ताकत को, जिसके कारण से कम समय में वो क्विट कर देता है या बहुत जल्दी गायब हो जाता है। लक्ष्य की कमी, ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो ज़रूरत के लिए नहीं करता आदमी, राशन के लिए, सब्जी भाजी के लिए आदमी काम नहीं करता यहाँ पर। यहाँ पर जिसके ड्रीम्स बड़े हैं, सपने बड़े हैं, वही व्यक्ति यहाँ पे सफल होता है, या वही व्यक्ति लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाता है, या काम कर पाता है, या टिकता है। उसके पास लक्ष्य की कमी होती है, छोटा लक्ष्य होता है, जिसके कारण से जो है छोटी मोटी दिक्कतें उसको जो है फेस नहीं कर पाता और वो क्विट कर देता है। ये पांच चीज़ों को यदि आप अपने जीवन में उतार लिए तो आप कभी सेफ्स ऑफ इंडस्ट्री छोड़ेंगे नहीं, और भले आपको 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, तो भी आप टिके रहेंगे, क्योंकि जिन्होंने 15 साल 10 साल इस इंडस्ट्री को दिया वो आज 25 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ और अरबों की प्रॉपर्टी वहाँ से कमाए, 10 करोड़ 15 करोड़ सेफ शॉप से, लेकिन आज अरबों की प्रॉपर्टी बनाने जा रहे हैं। सो थैंक यू दोस्तों, आज तक के लिए बस इतना ही।